स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस लाइव में। ये गोल होते हैं, हर चीज देखो ऊपर जो होती है गोल ही होती है वो। वो गोल है। हाँ अभी हाँ ना, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हाँ हूँ। अभी कल कल मेरे किसी दोस्त के साथ मेरी बात हो रही थी। वो मुझे ये बता रहा था कि मतलब कि पृथ्वी असल में गोल नहीं है। वो कह रहा था कि पृथ्वी अंडे अंडाकार है, ये क्योंकि बहुत सही है। अंडाकार क्यों नहीं, क्योंकि वो अंडाकार क्यों है, क्योंकि वो घूमती है, हाँ वो इसलिए ये कह रहा हाँ तो हाँ नहीं वो बात सही है, पर अंडाकार वो हमें दिखेगा नहीं, वो इतना कम है ना। है हाँ उसकी बात सही है, अंडाकार था। है ओके पर वो आप उसको महसूस नहीं कर सकते, बिल्कुल बहुत कम अंतर ओके है। ओके हाँ अंडाकार बोल सकते हैं, ओके हाँ टेक्निकली अंडाकार ही है। ओके ओके मतलब पूरी तरह राउंड नहीं है धरती। हाँ बहुत ऊपर से पोल्स, जो पृथ्वी के पोल्स हैं उस पर थोड़ा सा फ्लैटनेस पड़ती है, कर्व थोड़ी सी। हाँ फ्लैट ओके है अच्छा मतलब थोड़ा सा, जैसे आप गुब्बारे को लो अच्छा उसको पिचका दो, ठीक है हाँ हाँ गुब्बारे को हम पिचका देते हैं ना, तो वो हाँ ऊपर से पिचक जाता है, नीचे से पिचक जाता है और साइड से थोड़ा सा बाहर निकल आता है। हाँ हाँ तो वो ये चीज पृथ्वी के अंदर बहुत कम है, माइनर है, बहुत ही ज्यादा बहुत कम है। अच्छा तो इसका मतलब आने आने वाले समय में, आने वाले समय में पृथ्वी अंडाकार हो सकती है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, देखो ऐसा है ना, ये अंडाकार पता क्यों है, अंडाकार पृथ्वी के घूमने की वजह से। हाँ पृथ्वी के घूमने की वजह से, तो ये इक्वेटर पर थोड़ी सी मतलब अगर हम उसका रेडियस जो होता है, डायमीटर जो होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है पोलर रेडियस से। हाँ जी तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि थोड़ा सा पृथ्वी जो है अंडाकार, हल्की सी बहुत। अंडा, हल्की सी अंडाकार है। हाँ अगर अंडाकार ओके हमारा अगर हमें देखना है कि कौन सा ग्रह, तो बृहस्पति सबसे ज्यादा अंडाकार है। ओके बड़ा भी प्लैनेट वही है हाँ हमारे अब यहाँ हाँ प्लैनेट भी नौ सबसे ग्रह बड़ा बृहस्पति है, और उसका जो रेडियस है, बृहस्पति का रेडियस जो है, मैं जी डायमीटर बोल देना, डायमीटर साइज जो है, ठीक है आकार जी जो है पृथ्वी से 11 गुना बड़ा ओके हाँ है। हाँ बहुत बड़ा आकार है वो। आकार जो है, हाँ वो आकार मतलब, आकार मतलब कैसे कह सकते हैं कि आकार उसका 11 गुना बड़ा है, मतलब अगर हम जी साइड बाय साइड उसको रखें पृथ्वी को, तो उसमें समा जाएंगी हमारी 11 पृथ्वियां समा जाएंगी उसके अंदर, जी साइड बाय साइड मैंने देखा। प्लेन में ऐसे करके, हाँ प्लेन बिल्कुल। मतलब इतना बड़ा है वो, बहुत बड़ा है। हाँ और उसके खुद के भी उपग्रह बहुत हैं उसके हाँ काफी सारे हैं उसके, जैसे उसके मैंने अभी बताया ना, उपग्रह। हाँ आयो आयो यूरोपा हाँ तीन डायनामाइट, तीन चार ये बहुत पॉपुलर है ना, सब जानते हैं उसके बारे में, तो ये बड़े हैं। अब जानते क्यों हैं इनको, ये बड़े हैं, दिखते हैं, हम तो जी टेलीस्कोप से देख सकते हैं इनको। ओके